ना बिजली ना पानी, दिल्ली सरकार या तानाशाही, कैसी है तेरी कहानी। दिल्ली में दिल्ली सरकार या तानाशाही, आज दिल्ली में सरकार के नाम से तानाशाही चल रही है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी तानाशाही से फैसले लेते हैं, वहीं उनके विधायक रेड़ी पटरी वालों से पैसा इकट्ठा करते हैं और कहीं उनके विधायक महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान करते हैं। दिल्ली में ऐसे वाक आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के तुगलकाबाद का है, जहां से अरविंद केजरीवाल के विधायक दिनेश मोहिया तुगलकाबाद में अपने समर्थकों के साथ इलाके में पहुंचे, जब पानी को लेकर लोग काफी परेशान थे, जब इलाके के निवासी अपने विधायकों को समस्या सुना रहे थे। उसी दौरान वहां के निवासी राकेश, उम्र करीब 60 साल, वहां से निकल रहे थे, तब विधायक के समर्थक ने राकेश को बताया अपने इलाके में विधायक आए हुए हैं, आप भी मिल लीजिए। तभी राकेश ने विधायक को पहचानने से इनकार कर दिया। इसी बात पर विधायक को गुस्सा आ गया और उम्र की परवाह किए बिना ही 60 साल के बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया और उनसे एक कदम आगे बढ़कर उनके समर्थक ने बुजुर्ग की बाजू मोड़ दी। जब वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया तो विधायक और उनके समर्थक वहां से भाग गए। इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवा 323, 341, 23 की धारा में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर ली। आइए सुनते हैं पीड़ित राकेश को। राकेश कुमार, राकेश जी, क्या हुआ था आपके साथ? वो पहाड़ी की तरफ से दिनेश मोहिया जी आ रहे थे, तो मैंने देखा औरतें इकट्ठी है, तो मैं अपने कमरे से निकला और वहाँ पर गया जहाँ पर औरतें इकट्ठी है, तो मैं वहाँ पर गया तो वो एक सज्जन थे, उन्होंने पूछा ये आप नहीं, उन्होंने कहा कि ये आपके विधायक जी हैं दिनेश मोहिया जी। मैंने कहा होंगे दिनेश मोहिया जी, लेकिन विधायक हैं, लेकिन मैं इनको जानता नहीं हूँ, और जो उनके नहीं जानता है तो दिनेश मोहिया जी ने मेरे जी जोर से थप्पड़ मारा, मैं खुद लड़का आ गया। उसका दूसरे साथी ने मेरी बाजू मरोड़ दी, मैंने टूट गई, तब उसने मेरे को छोड़ा। और जब तक लेडी ने सोच पाती तब तक वो भाग लिए, लेडी जब उनके पीछे पड़ी तो सबको धक्का मारते हुए उनको भाग गया। उसके बाद क्या हुआ, आपने पुलिस? उसके बाद मैंने 100 नंबर पर कॉल की पीसीआर को, पीसीआर आई, वो मुझे मेडिकल ले गई, वहाँ पर चेकअप कराया। मैंने कहा शायद कहीं मेरी गलती से हड्डी न टूट गई, बुजुर्ग आदमी उस पर जुड़ने में दिक्कत हो, तो फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन दिनेश मोहिया ने जिन जो मेरे को हरकत की है उससे थप्पड़ मारा, मेरे को क्यों मारा, जब नहीं जानते तो नहीं जानते, विधायक है तो थप्पड़ मारेगा क्या मेरे को, तो ऐसे तो मर्जिया जिसको मार सकता है वो। आपने अपनी लिखित शिकायत थाने में लिखित दे दी है? थाने में दे दी है। अब उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या नहीं हुई है, अभी मेरे को कोई कॉल नहीं आई है थाने से, लेकिन मैंने उसमें हाथ जोड़कर लिखा है कि इसकी उचित कार्रवाई की जाए और इसको अरेस्ट किया जाए। ठीक है सर। मोहनिया साहब आए हमारे 28 नंबर तुगलकाबाद में सर्वे पे, हम लोगों ने उनसे शिकायतें शुरू की। हमने कहा भाई आप 2-2.5 साल में आज पहली बार हमारी गली में आए हो, आप अब तक कहाँ थे? तो उन्होंने कहा अरे मैडम काम की बात करो, काम की बात करो। हमने कि चलो गर्मी पड़ रही है कोई बात नहीं, हम थोड़ा वहाँ पे पानी वानी की 50-40 औरतें थे, हम सब कंप्लेंट कर रहे थे पानी नहीं आता, 5 दिन में आता है, ये वो ऐसी सब अपनी अपनी समस्या बता रहे थे। तभी मेरे हस्बैंड ना वो तेज चल नहीं पाते, वो 5-7 मिनट लगे वो हमारे पास तक पहुँच गए, धीरे धीरे पहुँच गए, वो कहने लगे हाँ जी, उनमें से एक उनके कार्यकर्ता थे कि देखो ये भाई साहब आ गए, इनसे भी पूछो क्या समस्या। हमने कहा क्या समस्या करोगे तुम, 2.5 साल में आ जाओ, तुम कहाँ थे अब तक? ये वो ऊँची आवाज़ में बोलने लगे 65 साल का आदमी है, बड़ा बूढ़ा, बताओ। हम सारी औरतें खड़े वहीं पर कि आज तक कहाँ थे भाई तुम, आज आए हो 2.5 साल बाद, पानी नहीं, गली में सुविधा नहीं, कुछ नहीं, कैसे नेता हो? वो ऐसे अकड़ के बोलने लगे कहाँ के नेता हो, किन्ने बनाया तुम्हें ऐसा नेता है, तुमने आज तक खबर ली इस तुगलकाबाद की? और ये एयरपोर्ट तुमने झपाक से एक गाल पर मारा, हम सब औरतें वहीं पे खड़े थे और उन्हें बस ऐसे सब औरतों में खड़ा खड़ा करके भाग के ये गए, रो गए पहाड़ी पे, हम समझ ही नहीं पाए हम क्या करें। दिनेश मोहिया, दिनेश मोहिया क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसने जो किया है या तो वो करवा जाए आके मेरे से, ठीक है, माफी मांगे, मेरे से वो ही करवा ले बस आके, थप्पड़ में थप्पड़ एक मेरे से खा जाए, जो उन्होंने हम मेरे पूरी गली में समाज में हमारे बूढ़े आदमी को थप्पड़ मारा है, और वो आके करा जाए बस, या आके मेरे आदमी से पैर पकड़ के माफी मांग रहे हैं।
ठीक है, और नहीं तो उसको जेल हो, नहीं जेल होगी मेरे पल्ले पड़ जाएगा, तो थप्पड़ तो भी है, जवाब तो मैं दूंगी जब और लूंगी उससे। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तभी से विवादों में घिरी हुई है। कभी विधायक अपनी पत्नी से मारपीट मामले में पुलिस से भागता है, कभी फर्जी डिग्री को लेकर जेल की हवा खाता है, कोई विधायक अपनी भाभी की पिटाई में शामिल है। ऐसे कई मामले हैं जो अखबार और टीवी की सुर्खियां बनी हुई हैं। दिल्ली के लोग बिजली पानी से परेशान हैं, मगर दिल्ली के तानाशाही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब और गोवा के चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता खून के आंसू रो रही है, कहां गए केजरीवाल। इस पूरे मामले के बाद भी विधायक दिनेश मोहिया अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। अभी चार दिन पहले भी एक महिला के साथ धक्का मुक्की की थी, जिसकी शिकायत भी नेवसराय थाने में की गई है। अब देखना यह है, केजरीवाल हर बात पर धरना प्रदर्शन करते हैं। आज उनके विधायक ने महिलाओं से बदतमीजी और बुजुर्ग को थप्पड़ मारने जैसी घटना को कैसे लेते हैं? क्या विधायक दिनेश मोहिया को पार्टी से निकालते हैं या दिनेश मोहिया के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं? ये आने वाला वक्त ही बताएगा कब धरने पर बैठेंगे केजरीवाल। ये थी हमारी खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल www.voiceofindia.net।